हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, मैं सरफराज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है सऊदी ओजर के एम्प्लॉई के लिए, जो कि एक्स एम्प्लॉई थे इस कंपनी में। उनके लिए काफ़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स, क्योंकि उनको जो है कंपनी अब पैसे दे रही है, जो कि कंपनी बंद हो गई थी। बहुत सारे लोगों को जो है पैसे नहीं मिले थे, उनका एंड ऑफ सर्विस नहीं मिला था। तो अभी कंपनी की तरफ से जो है अनाउंसमेंट हो गया और बहुत सारे लोगों ने पैसे ले लिए हैं। तो अगर आपने भी नहीं लिया हुआ है तो इस वीडियो के माध्यम से आप भी जान सकते हैं कि कैसे जो है पैसे मिल रहे हैं और कैसे आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो बहुत ईजी है पैसे लेना। अगर आप दूसरी लोग सऊदी अरेबिया से चले गए हैं, यानी कि वो कंपनी से पैसे नहीं लिए हैं सऊदी ओजर से, और ये कंपनी छोड़ के चले गए हैं और वो इंडिया में है या किसी और देश में है, तो वो कैसे करेंगे। उनके लिए भी जो है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि उनका सेटलमेंट कितना बन रहा है, और आप डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको वो पैसे कैसे मिलेंगे। तो कैसे प्रोसेस है, ये कैसे प्रोसेस करना है आपको, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बता दो फ्रेंड्स कि जो सऊदी अरेबिया में है, जो तनाजुल लिए हैं दूसरी कंपनी में, उनका इकामा जो है चेंज नहीं हुआ होगा, उसमें जो है सऊदी ओजर कंपनी का ही होगा। तो उससे जो है आप डायरेक्ट जाकर बैंक अलनिमा बैंक से उठा सकते हैं, लेकिन आपको जो है क्लेम नंबर मिलेगा। क्लेम नंबर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं, या फिर ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा यहाँ पे एक यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप इंग्लिश करके यहाँ पे आप अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रजिस्टर न्यू अकाउंट, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको क्लेम नंबर देना है। क्लेम नंबर अगर आपके पास नहीं है तो वो भी हम जानेंगे कि कैसे आप जो है क्लेम नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे क्लेम नंबर देना है, आपको इकामा देना है, ठीक है ना, या पासपोर्ट देना है या नेशनल आईडी देना है। फिर उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, और पासवर्ड जो है दो यहाँ पे देके एग्री पे क्लिक करके साइन अप कर लेना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपकी आईडी बन जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया उनके लिए जिनको बनाना है। जिनके पास में क्लेम नंबर है वो क्या करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लेम नंबर अगर आपके पास में नहीं है तो कैसे आप जो है क्लेम नंबर ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उनको ये वाले वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद से आप चाहे तो इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, ये वाले नंबर पे। अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं तो भी कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप इस कंपनी का एम्प्लॉय थे, ठीक है ना, और आप जो है अपना क्लेम जानना चाहते हैं, तो आप इस वाले ईमेल आईडी पे, ये जो दिया हुआ है claim@saudiojer.com, इस पे ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, ईमेल कैसे करना है वो भी हम बता देंगे, ईमेल का फॉर्मेट भी दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं बता दूंगा कहाँ से आपको मिलेगा। तो उसको आपको जो है फिल कर लेना है। फिल करने के बाद से ये वाली ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें भेजने के बाद से आपको जो है एक टिकट ओपन हो जाएगा। टिकट किस टाइप का होगा मैं वो भी दिखा देता हूँ। इस तरह से एक टिकट ओपन हो जाएगा आपके पास में, जो कि आपको ईमेल मिलेगा। आपको ईमेल मिलेगा कहाँ से, सऊदी ओजर कंपनी की तरफ से, और वो जो है एक लिंक देंगे। वो लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद से आपको ये टिकट नंबर मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा आपका सब्जेक्ट में होगा नीड क्लेम नंबर, ठीक है ना। तो जो भी लिखेंगे वही यहाँ पे आएगा। उसके बाद से टिकट नंबर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपका नाम के साथ में यहाँ पे लिख के आएगा कि ये ओपन है। जब तक आपका सही नहीं हो जाता, यानी कि क्लेम नंबर नहीं मिल जाता या आपकी जो भी इशू है वो सही नहीं हो जाता, तब तक ये ओपन दिखाएगा। उसके बाद से क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स देना है, और यहाँ पे अपनी जो कंपनी की आईडी और इकामा है, नया या पुराना जो है डॉक्यूमेंट्स, आपको इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद से एड रिप्लाई कर देना है। एड रिप्लाई करने के बाद से आपको फिर दूसरा ईमेल आ जाएगा, जिस परमिशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो जैसे ही क्लेम नंबर मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको, उसके बाद से क्या करना है, आपको ये वाले पेज पे आना है। जैसे ही क्लेम नंबर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे इस पेज पे आना है, और यहाँ पे आपको जो है आपका आईडी या पासपोर्ट नंबर देना है, ठीक है, और यहाँ पे अपना एम्प्लॉई नंबर या आपको जो है क्लेम अमाउंट जो भी है यहाँ पे देना है, क्लेम की इंक्वायरी के लिए। ये सिर्फ आपको क्लेम की इंक्वायरी के लिए, ठीक है ना। और क्लेम नंबर जब मिल जाएगा तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, या नहीं मिलेगा तो भी आप यहां से चेक कर सकते हैं अगर आपके क्लेम नंबर नहीं मिला, क्योंकि यहां पे पासपोर्ट नंबर और आपकी क्लेम अमाउंट या
अगर अमाउंट आपको पता है तो यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज आप जो है यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे जो इम्प्लॉई नंबर है वो दे सकते हैं। अगर उससे ओपन हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिनके पास में क्लेम नंबर है वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आने के बाद उनको क्लेम नंबर डालना है। ये वाले ऑप्शन पर देखिए, यहाँ पे जो इसका वेबसाइट है यहाँ पे लिखा हुआ क्लेम्स जो है saudiozer.com, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्लेम नंबर देना है, उसके बाद से यहाँ पे आपको आईडी नंबर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी नंबर देने के बाद से यहाँ पे इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। डिटेल्स मिलने के बाद से फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको कि सारे डिटेल्स जब आपको मिल जाएंगे तो यहाँ से आप अपना डिटेल्स ले लेंगे। लेने के बाद से आप जो है जाके यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया में अलिनमा बैंक का जो ब्रांच मिला हुआ है उसमें जाके आप अपना पैसा ले सकते हैं और अपने फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं जो इस कंपनी में थे, वो भी लोग जो है कहीं हो सकता है कि ले लिए होंगे तो उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे आप जाएंगे तो फेसबुक पे इनके पेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने पैसे लिए हुए हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ लोगों ने पैसे लिया हुआ है, तो ये जो है अलिनमा बैंक से लिया हुआ है, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पे उनको पेपर भी मिले हैं, कैसे कैसे प्रोसेस है सब यहाँ पे बताया गया है। तो आप जाके ये पेज भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है अपडेट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये सऊदी ओजर कोर्ट क्लेम्स अपडेट के नाम से एक पेज है, पता नहीं ये ऑफिशियली है या नहीं, लेकिन यहाँ पे अपडेट्स है और यहाँ पे जो वेबसाइट है और ईमेल आईडी है यहाँ पे कंपनी का है, आप देख सकते हैं जो हम दिखा रहे थे जहाँ पे क्लेम का ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी है। और यहाँ पे जो है ईमेल आईडी के नीचे में जो है वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे अपडेट मिल जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यहाँ पे मेमो भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सारे मिल जाएगा कि डिटेल्स जिन्होंने पैसे लिए हुए हैं वो यहाँ पे उन्होंने कमेंट किया हुआ है और उन्होंने जो है पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे लोगों ने पोस्ट भी किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पल पल की अपडेट्स मिल रही है जो भी लोग ले रहे हैं। यहाँ पे आप जाके ये वीडियो भी चेक कर सकते हैं, इसका भी जो है लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके इस पेज को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्रेंड्स ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो ये पेज पर जा सकते हैं। और सबसे अच्छा जो तरीका है ये कि फ्रेंड्स आप जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट के ईमेल पे आप जाके ईमेल कीजिए और वहाँ से अपडेट ले लीजिए अपने क्लेम के बारे में, ठीक है ना। वहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंक भी दिया गया है, वही लिंक जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिंक भी दिया गया है। उसी लिंक के द्वारा सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ वीडियो में छूट भी जा रहा है तो आप जो है जो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है वो ईमेल आईडी में आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी थर्ड पर्सन के द्वारा जो है आपको कॉन्टेक्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कंपनी के जो ईमेल आईडी है और उस पर आपको जो है कॉन्टेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा, तो आप चाहे तो उनसे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप इसमें है तो वहाँ से आप डायरेक्ट जो है इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिया गया है सारे फॉलो कैसे करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोगों ने अपना अपना जो है यहाँ पे राय मशवरा दिया भी है और बहुत सारे लोगों ने पैसे अभी तक ले लिए हैं। तो आप भी जो है फ्रेंड्स अगर आपके पैसे हैं इस कंपनी में जो आपको एंड ऑफ मनी नहीं मिला हुआ है, आप इस कंपनी को छोड़कर चले गए हैं, तो वो ले सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, ईमेल के बारे में आपको मैं बता दूं ईमेल कैसे करना है, ये पॉइंट छूट जाएगा इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको बता देता हूँ। ईमेल में क्या करना है, आपको जो ईमेल का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कहाँ पे होता है, जैसे कि मैं ईमेल आईडी एक ओपन कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे कि ये ईमेल है तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब्जेक्ट मिल जाता है। अब क्या करना है आपको, ये वाला जो सब्जेक्ट है यहाँ से आपको सब्जेक्ट उठाना है, ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी सब्जेक्ट दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट पे जाना है और सब्जेक्ट को पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको जाना है, ये ईमेल आईडी में लेने डियर सर लिखा है, आप डियर सपोर्ट टीम भी लिख सकते हैं या डियर सऊदी ओजर सपोर्ट टीम या क्लेम टीम, जो भी है अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। या इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे ये लिखने के बाद से सब्जेक्ट देने के बाद से यहाँ पे लिख देना, उसके बाद से लिखना है आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना नाम देना है, ये जो नेम का मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है उसके हिसाब से आपको जो है फ्रेंड्स आपको अपना नाम दे देना है, ठीक है। एंड उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे डिटेल्स दे देना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने जैसा लिखा है सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है। और यहाँ पे अपना डिटेल्स देना है, कंपनी का आईडी, कंपनी का इकामा, आपका अपना पासपोर्ट नंबर, ठीक है ना। ये चीज़ें देने के बाद से ये वाला जो है आपको नीचे लिख देना है। उसके बाद से क्या करेंगे, लिखने के बाद से यहाँ पे अपना डिटेल्स दे देंगे, आप अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद से ये वाला आप यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ये एक छोटा सा ईमेल आप जो है उनको भेज सकते हैं
जो कि मैंने ईमेल आईडी बताया हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट देने के बाद से क्या करना है, फिर आपको जाना है यहाँ पे। जाने के बाद से बाकी का ईमेल जो है यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। ये कॉपी कर लेना है या स्क्रीनशॉट लेके आपको टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपको राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आपका ईमेल ऐसे दिखने लगेगा, हूबहू जैसे मैंने टाइप किया हुआ है। उसके बाद से इसमें आपको एडिट कर लेना है आपका कंपनी आईडी। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, आप अपना जो है सही आईडी और सही एड्रेस, सही ईमेल आईडी, सही मोबाइल नंबर, फ़ोन जो भी है आपको डिटेल्स देने हैं, ठीक है ना। आपका अपना होना चाहिए और जो चीज़ें वैलिड होगी वही आपको देना है। यानी कि एग्जांपल आपके पास ईमेल आईडी है, अगर वो आप यूज़ कर रहे हैं, ईमेल आईडी एक्टिव है तो ईमेल आईडी देंगे। अगर आपके पास जो फ़ोन नंबर है तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर देंगे, साथ में व्हाट्सअप वाला होगा तो व्हाट्सअप वाला भी दे सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको उस ईमेल आईडी को कॉपी कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ये ईमेल आईडी है, इसको आपको इस पर ऐसे करके ड्रैग करके इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। मोबाइल है तो मोबाइल में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपने ईमेल पे आना है। आने के बाद से टू में यहाँ पे रख के इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जाने के बाद से आपको सेंड कर देना है। अगर चाहे तो आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं, आपके इकामा या आईडी जो भी कुछ हो तो वो भी यहाँ से अटैच कर सकते हैं। उसके बाद से इसको सेंड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।